गर्मी की सीजन में दो सबसे बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। या तो आपके यहाँ लाइट ज़्यादा ना आती हो और आपकी बैटरी डाउन हो जाती हो जल्दी, या फिर आपका पंखा तेज़ हवा ना देता हो और साथ में बार बार लाइट जाने के बाद उसको बंद करना होता है क्योंकि बैटरी जल्दी डाउन हो जाए। लेकिन आज मेरे पास एक ऐसा पंखा है जो इन सभी समस्याओं को दूर कर देगा। ये है हैवल्स का BLDC एफेंसिया सीलिंग फैन। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, अपनी दुकान से इसको निकाल कर लाए हैं। आज इस वीडियो में इसी की रिव्यू की बात करेंगे कि ये जो हैवल्स का एफेंसिया BLDC 30 वॉट का फैन है, कैसे ये आपकी बिजली बचाता है और इसकी हवा, इसकी क्वालिटी, एयर क्वालिटी, इसके ब्लेड, सीलिंग फैन के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है, बाकी इसकी क्वालिटी कैसी है, आज सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। आप इस एंड तक बने रहिए और जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको हिट कर दीजिए, बहुत तेजी से उस पर हिट करिए और इस वीडियो को लाइक भी करिए। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको दिखाते हैं, ये है हैवल्स के BLDC ब्लेड और ये BLDC सीलिंग फैन के ब्लेड हैं। तो इसको सबसे पहले हम ना थोड़ा साइड से रख देते हैं, ये जगह ज़्यादा ले रहे हैं। बात करते हैं सीलिंग फैन की, तो यहाँ पर ये आ जाता है मेरे पास सीलिंग फैन बॉक्स कुछ इस तरीके से हम आगे कर दे रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो बॉक्स है, यहाँ पर आपको ऊपर हैवल्स का लॉगो देखने को मिल जाता है। इको एक्टिव यानी कि ये बहुत ज़्यादा नॉइस नहीं करता है, ऐसा यहाँ पर लिखा है, टेक्नोलॉजी दी गई है इको एक्टिव की। और बाकी यहाँ पर बताते हैं इसके फीचर्स के साथ साथ इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। अब इसको ओपन भी करेंगे, यहाँ पर आपको रिमोट देखने को मिल जाता है, ISI का मार्क देखने को मिल जाता है, 1200 mm ब्राउन कलर का है एंड ये 100% कॉपर बाइंडिंग के साथ आता है, यहाँ पर उन्होंने लिख के दिया है। और 2 साल की गारंटी है, 5-स्टार रेटिंग है और सर्विस वैल्यू की बात करते हैं तो 7.5 स्टार है। तो इस पंखे को हम बिना देरी के शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, इस पंखे को यूज करते टाइम जो भी आप BLDC के रिमोट कंट्रोल सीलिंग फैन को यूज करेंगे उनमें आप कोई भी एक्सटर्नल रेगुलेटर को यूज नहीं करेंगे, ऐसा साफ साफ उन्होंने यहाँ पर लिख के दिया है, कोई भी आपको एक्सटर्नल रेगुलेटर यूज नहीं करना है। तो ये आ गया मेरे पास एक छोटा सा पेचकस, क्योंकि हम दुकान पर इसी पेचकस से सीलिंग फैन की अनबॉक्सिंग करते हैं। और दिन में हाँ थोड़ा सा ओपन तो कर लिया है, लेकिन ये एक फीचर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसकी बात हम इस वीडियो में सबसे पहले कर लेते हैं। यहाँ पर ना लिखा है पीछे के, कंपैरिजन बिटवीन हैवल्स एफेंसिया DX विद ऑर्डिनरी सीलिंग फैन, यानी कि हैवल्स का जो एफेंसिया DX मॉडल है इसको कंपेयर करते हैं अगर साधारण पंखे से तो क्या क्या डिफरेंस निकल गया था, ये आपको बता देते हैं। बहुत ज़रूरी है जब आप एक कोई नया पंखा लेते हैं तो कंपेरिजन कराना बहुत ज़रूरी है। देखिए बात करते हैं क्राइटेरिया की, तो यहाँ पर 30 वॉट का ये पंखा है जो कि नॉर्मल जो पंखे होते हैं 75 वॉट में लिखा है, लेकिन मैं आपको बता दूं 50 वाट के नॉर्मल पंखे जो अब आ रहे हैं स्टार रेटिंग में वो 50 वाट के पंखे होते हैं और ये 30 वाट का, यानी कि ये आपका 40% बिजली जो है ऑलरेडी कम ले रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मतलब ओवरऑल इन्होंने एक बिजली की जो नीचे कॉस्ट दी है यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये पंखा जो हैवल्स का एफेंसिया 30 वाट का है ये 100 रुपये का बिजली खाएगा, यानी कि 7 रुपीज़ पर मंथ के अगर हिसाब से चलते हैं तो वहीं पर दूसरा पंखा हमारा 252 रुपये की बिजली खाया है, यानी 150 रुपये की बचत होती है जब हम इस पंखे को यूज़ करते हैं। और इस पंखे लगाने के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे अभी ये मेरा ऊपर BLDC सीलिंग फैन चल रहा है, कोई भी आवाज़ नहीं आ रहा है, एक नंबर चल रहा है और अच्छी खासी हवा भी दे रहा है। तो चलिए अब इसको ओपन कर लेते हैं जल्दी से, बहुत सारी बातें आपको बता दी, मुझे लगता है आप ज़रूर लौट जाएंगे पंखे को लेंगे। और बताते हैं आपको, अगर आपको इस पंखे को ख़रीदने का विचार बना रहे हैं या मन बना रहे हैं, आपके अंदर एक इच्छा जग रही है इस पंखे को ख़रीदने की, तो आपको कहीं भी नहीं जाना पड़ेगा। जो नीचे डिस्क्रिप्शन है ना इसमें आपको एक लिंक देखने को मिल जाएगी हैवल्स एफेंसिया DX सीलिंग फैन के नाम की, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप अमेजोन पर जाकर इसको परचेस कर सकते हैं, तो वहां पर आपको ये जो है मिल जाएगा। तो बात करते हैं यहाँ पर ये कैप वगैरह, ये छोटे से इन्होंने डंडा दिया है, तो इन सबको ना अभी हम साइड से हटा देते हैं, नीचे रख देते हैं और देखते हैं इसमें और क्या क्या है। तो बॉक्स में हमको एक सबसे पहले ये रिमोट देखने को मिल जाता है, ये रिमोट यहाँ पर आप देख सकते हैं, और उसके साथ ये हमारा एक सीलिंग फैन आता है और कुछ यहाँ पर एसेसरीज दी जाती है जो कि ऊपर कुंडा वगैरह होता है, वायर होता है। ओपन कर लेते हैं आपको देखते हैं, ये आया हमारा सीलिंग फैन, इसको ना हम इसी का रखते हैं तो गंदा हो जाएगा। अब इसकी हम बात करते हैं सीलिंग फैन की, तो ये बहुत ज़्यादा जो है भारी नहीं है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके का है और ये जो पूरी किट यहाँ पर इनकी फिट है जहाँ पर किट का मॉडल नंबर वगैरह पड़ा हुआ है और ये इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा इस तरीके का डिज़ाइन है। पीछे इसका एक ओवर लुक आपको हम दिखाएंगे, अभी हमारी दूसरे वाले घर पर छत पर यही हैवल्स का FNCR मॉडल लगा है तो उसकी क्वालिटी जो है काफ़ी ठीक है। बजट की अगर प्राइसिंग की बात करते हैं तो 3200-3300 रुपये से शुरुआत की प्राइसिंग होती है, अलग अलग मार्केट में अलग अलग प्राइस हो सकती है और अलग अलग रेट भी हो सकते हैं, हैवल्स का कोई एक रेट नहीं रहता है, कभी अप एंड डाउन रेट्स होते रहते हैं। बाकी अगर हम बात करते
करते हैं इनके क्वालिटी की, तो जो फिनिशिंग यहाँ पर इन्होंने दी है एज टू एज बहुत ही ज़बरदस्त फिनिशिंग है। फिनिशिंग के मामले ये फ़ैन काफ़ी मुझे ठीक लगा है। बाकी यहाँ पर नीचे साइड उन्होंने थोड़ा सा ना राउंड येलो गोल्डन का आपको डिज़ाइन दिया है जो कि काफ़ी ठीक लगा है, एकदम प्लेन पंखे हैं। और हमने जो पंखे लगाए हैं सेम लगभग ऐसे ही देखने में लग रहे हैं। ये किट लगी हुई है, इस किट को ना आप रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये है हमारे पास रिमोट, ये ओपन हो जाता है कुछ इस तरीके का देखने में लगता है। ये हैबल्स का रिमोट यहाँ पर आप देख रहे हैं। इसमें ऑप्शंस आपको देखने मिलते हैं ऑफ और ऑन के, 1, 2, 3, 4, 5 नंबर के, 1 hour, 2 hour, 3 hour और 4 hour के ये सिस्टम इन्होंने लगाए हैं। आप 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे जितने भी चलाना चाहते हैं आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो अगर ओवरऑल हम इस फ़ैन की क्वालिटी की बात करते हैं तो जो भी नॉर्मल पंखे हैं उनसे ये कई गुना ज़्यादा अच्छा है। और अगर बात करते हैं हवा की तो आप ऐसे मान सकते हैं जो हमारे अच्छे क्वालिटी के लाइक ओरिएंट के या फिर बीपीएल के या फिर हैबल्स के नॉर्मल पंखे हैं लगभग 90 से 100% का डिफरेंस आप मान सकते हैं। जैसे अगर 90% वो चल रहा है तो ये 100% लिया, यानी 10-15% का हवा का डिफरेंस होता है। मेन डिफरेंस जो होता है वो निकल कर आता है इस किट का, इस BLDC मोटर का और ये रिमोट कंट्रोल सिस्टम का। इसमें आपको कोई भी रेगुलेटर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सीधा आप रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये चीज़ जो है काफ़ी अच्छी है यहाँ पर। इसी बात के यहाँ पर पैसे हैं क्योंकि ये BLDC है तो आपके इन्वर्टर पर लोड भी कम पड़ेगा और आपकी बैटरी कम डाउन होगी। अगर बात करते हैं इनके सीलिंग फैन के ब्लेड की तो यहाँ पर ये है इनके ब्लेड, और इनके ब्लेड की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर 2 years की गारंटी ब्लेड पर भी लिखी है। इको एक्टिव टेक्नोलॉजी, 100% कॉपर बाइंडिंग, सेम वही चीज़ लिखी है। और यहाँ पर लिखा है स्कैन QR फॉर इंस्टॉलेशन एंड डज और डज नॉट वीडियो इन हिंदी, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। ब्लेड्स की बात करते हैं तो यहाँ पर ब्लेड्स को भी ओपन करते हैं। 1200mm के 48-48 inch सीलिंग फैन के ब्लेड हैं ये। तो ये हम ब्लेड आपको दिखाते हैं, काफ़ी ठीक लुक से ये ब्लेड आते हैं। और छोटी छोटी चीज़ें उन्होंने बहुत हाईलाइट दी हैं, जैसे ये पर के नीचे जो एक रबड़ लगी होती है उन्होंने इस पंखे में ना देकर इस पर में ही सीधा अटैच कर दिए। तो ये जब आप यहाँ पर लगाएंगे इस तरीके से तो यहाँ पर सीधा रख जाएगा, ये चीज़ काफ़ी मुझे ठीक लगी। कुछ इस तरीके से इतने बड़े ब्लेड होते हैं, अगर आपको सीलिंग फैन का ब्लेड दिखाते हैं कुछ इस तरीके से ब्लेड यहाँ पर आते हैं। तो ये जो है काफ़ी ठीक है क्वालिटी, 3 ब्लेड के साथ आते हैं। और ब्लेड का जो एरो डिज़ाइन उन्होंने कट दिया है ये भी काफ़ी अच्छा कट यहाँ पर लग रहा है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। पेंट की बात करते हैं तो पेंट काफ़ी अच्छा और बहुत ही लाइट वेट और स्लीक जो है यहाँ पर इनके ब्लेड्स हैं। तो आई होप अगर हम बात करते हैं सीलिंग फैन की क्वालिटी की तो नो डाउट यहाँ पर क्वालिटी में हैबल्स की तरफ से आपको कोई इशू नहीं होगा। अगर आप इसको ख़रीदना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देखने को मिल जाएगी, आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से एक बेस्ट सीलिंग फ़ैन अगर हम बात करते हैं 3 से 3.5 हज़ार रुपये के बजट में तो आप इसको ख़रीद सकते हैं। और होम सर्विस वारंटी है ही, हैवल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और अगर आपको हैवल्स के इस रिमोट कंट्रोल को कनेक्ट करने में दिक्कत आ रही है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, निर्मल गुप्ता 7237 हमारी आईडी है और नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी देखने को मिल जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले एक और नए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड राम राम।